हे गाइस, क्या हाल है सभी के। सो गाइस, आ चुके हैं हम एक और न्यू वीडियो लेके। सो गाइस, आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं वही फालतू टॉपिक 75% क्राइटेरिया के बारे में। इस पर मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो चैनल पर जाइए जाके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक बात खत्म करते हैं। तो सो आज इस टॉपिक पर एक लास्ट बार और बात कर लेते हैं, इसके बाद बात जब भी होगी 75% क्राइटेरिया के बारे में, जब कोई ऑफिशियल न्यूज़ या फिर कोई नोटिस आ जाएगा NTA की तरफ से, इसके बाद कोई नहीं होगी। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो आप स्किप मत करना। मैं एक बात ध्यान से बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो भी भाई 2022 में 12th पास कर चुके हैं, जो भी भाई 2022 ध्यान से सुनना, ठीक है, जो भी भाई 2022 में 12th पास कर चुके हैं, पास की बोल रहा हूँ, कोई भी परसेंट नहीं, पास कर चुके हैं, वो 2023 में JEE मेन का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए कोई भी 75% क्राइटेरिया नहीं लगेगा। समझ गए, एक बार और बता रहा हूँ, जो भी भाई 2022 में 12th पास कर चुके हैं, उनके लिए 75% क्राइटेरिया नहीं लगेगा, जब वो अगले साल देंगे, ठीक है, तब तक कुछ नहीं लगेगा उनके लिए। आपके लिए तो नहीं लग सकता, चाहे आपके 60% हो, चाहे आपके 71% हो, चाहे आपके 50% हो, आपके लिए बिल्कुल नहीं लगेगा। चाहे आप जनरल SC ST कैटेगरी OBC जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके लिए 75% क्राइटेरिया नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक ड्रॉपर हैं और ड्रॉपर पे 75% लगाना कोई मतलब चांस ही नहीं है यार, लगा ही नहीं सकता NTA आपके ऊपर। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि भाई देखो, अब 2022 में आप एलिजिबल थे, ठीक है, मतलब आप दे सकते थे JEE मेन का एग्ज़ाम, आपने 12th पास किया था अब, ठीक है, तो आप इस साल एलिजिबल थे, तो आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं दिया ना, ठीक है, तो आपने फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं दिया, तो आप अगले साल दोगे ना, तो एक ड्रॉप लेकर ही तो जा रहे हो, अगले साल ही दोगे ना JEE मेन का एग्ज़ाम, तो आप पे 75% क्राइटेरिया नहीं लग सकता, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, आगे 100% ही बता रहा हूँ, मतलब समझ ही लो, ठीक है। इसके बाद जब बात करेंगे, जब कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी, ठीक है, अब वो तो उन्हीं के हाथ में, वो क्या कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉपर पे तो नहीं लगेगा। 2022 वाले स्टूडेंट पे तो 75% नहीं लग सकता, 2023 वाले पर लग सकता है, ठीक है, जो फ्रेशर्स है, हम पे तो नहीं लगेगा भाई। अब डाउट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, अब कोई वो नहीं होना चाहिए, ये मैं पक्का ही बता रहा हूँ, आप कहीं भी चेक कर लेना, ठीक है। वगैरह मत लो, जो भाई ड्रॉप लेने जा रहे हैं वो जल्दी लो, क्योंकि टाइम नहीं है, अपना सिलेबस जल्दी फटाफट कंप्लीट करिए, और जो ड्रॉप ले चुके हैं वो जाके पढ़ाई करिए अपनी, ठीक है। तो फालतू में यार मुझे नहीं लगता इस डाउट में कोई दम है, ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो यार वही कमेंट में बता देना, कोई भी और डाउट हो यार, कितनी बार बताओगे यार, कितनी बार वीडियो बनवाओगे, ठीक है। तो ठीक है, हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी डेट के बारे में, ठीक है, JEE मेन 2023 की डेट के बारे में, ठीक है। उससे पहले आप तैयारी करिए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके नहीं जाते यार, आप कैसे लोग हो यार, सब्सक्राइब भी तो मांग रहा हूँ और क्या मांग रहा हूँ, ठीक है, तो चलते हैं फिर, बाय बाय।